नमस्कार साथियों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भेड़ में ही मेरिनो वैरायटी के बारे में पूरी डिटेल कि कैसे इसकी मेंटेनेंस किया जाता है, क्या रेट आता है, कितने टाइम में ब्रीडिंग होता है, कितने केजी तक ये बिक सकता है, क्या पर्पस है, सारे चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल बात करेंगे। तो सर स्वागत है आपका। थैंक यू। सर इसके बारे में बताइए कि सबसे पहले ये मतलब कहाँ का ये ब्रीड है और वहाँ से शुरुआत करना। सर इसका ब्रीड का नाम है, ये पहला तो मेरिनो है सर। इसमें टू टाइप्स है, पोल्ड मेरिनो एंड ऑर्न मेरिनो। पोल्ड मेरिनो में ऑन्स नहीं आते है, ऑन्स मतलब आपको इधर आता है। हाँ, पोल्ड ना आपको ऑन मेरिनो में ऑन्स आता है। ओके, तो मोस्टली प्रीडोमिनेंटली ब्रीड मतलब आए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। उधर ये ब्रीड क्यों करता है, वूल पर्पस देते है। एक नॉर्मली हेल्थी वाला बकरा का 1 ईयर में 18 to 20 केजी वूल आता है। ओके, उधर उसका मार्केट अच्छा है, वो कर रहे। बाद में ये तो हमको मिला था जम्मू कश्मीर से, हमने इंपोर्ट किया है। ओके, हमने तो मोर देन 200 शिप को हमने मेरिनो को इंपोर्ट किया है। अभी कितना है टोटल? अभी हमारे पास 150 प्लस है, हम 50 थोड़ा हमने सेल कर दिया है। और कितना टाइम हो गया ये ब्रीड को? हमारे पास कोविड का टाइम में 1.5 ईयर हो गया है। ओके, हमने एक एक मेरिनो के बारे में बोला तो मेरिनो का एक फर्स्ट पेल है, वूल पर्पस है, वूल अच्छा से आता है, वो ग्रोथ होता है। ठीक है। और टेल का है, टेल का साइज आपको मोर देन 1.5 फीट आता है। हाँ, हाँ, बाकी टेल, उससे अच्छा है इसका। टेल का फीट आपको मोर देते है। और व्रिंकल्ड मेरिनो भी है, मतलब बॉडी पूरा व्रिंकल्ड जैसा आपको आता है, तो ओल्ड एज वाला जैसा आपको मिलता है। राइट। बाद में इसको ये तो बर्थ वेट मोर देन 7 kg, 6 to 7 kg रहता है। ओके, आपको किसी दूसरा ब्रीड में इतना बर्थ वेट पर केजी नहीं रहता है। बाद में इट कैन रीच अप टू 170 kg मेल्स, 170 kg मेल्स कैन रीच फॉर अ ब्रीडिंग पर्पस। ओके, ये हमारे पास मोर देन 130 प्लस आपका हमारे पास मेल है, हमको आपको दिखाता है। और हमारे पास फीमेल्स तो 130-140 kg मिलता है। okay. और इसमें 1:2 मतलब आपको फीमेल्स तो ट्विंस दे सकते हैं। ठीक है। वो 10 में 5 ट्विंस दे सकते हैं। ओके, और उतना लाइक ट्विंस का क्वालिटी उतना है। और बाद में इसका मीट दिया है, तो मीट का पर्पस भी दे करता है, वो तो मीट क्वालिटी अच्छा रहता है। ये तो ब्रीडिंग पर्पस हमने शुरू किया है। ओके, ये हमने क्यों शुरू किया है, हमारे पास डॉर पर है आपको बोला। राइट। हमने रैम बुलेट को क्रॉस कर रहे है। ये रैम बुलेट मतलब मेरिनो का 5 to 6 जनरेशन का वाला क्रॉस है। सो हमने रैम बुलेट को किया तो अच्छा क्वालिटी आ रहा है। व्हेन वी क्रॉस विद मेरिनो, मेरिनो जैसे विद क्रॉस किया तो कितना क्वालिटी आ सकता है, इसीलिए हमने रिसर्च पर्पस लेकर आके किया है। हमको द क्वालिटी बहुत अच्छा आ रहा है। हाँ। अब आप देख सकता है ये मेरिनो और डॉर्पर का क्रॉस का है, 1 month का है ये, 1 month का है, 1 month का है। ओके, इसका वेट है मोर देन 17 kg, 17 to 18 kg आता है। राइट। इजीली ये मोर देन 17 to 18 kg आता है। और बाद में ये जब बर्थ हुआ इसका वेट था 6.5 kg। ओके, आपको आप टच कर सकता है, जिम बॉडी जैसा रहता है पूरा। राइट। और वूल्स भी हमको मेरिनो जैसे भी है तो डॉर्पर जैसा सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड वूल आता है आपको। बाद में आपको पंच नहीं तो ये तो फीमेल है। हाँ। अब आपका टेल साइज भी डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो ये इसीलिए हम तो हमको ये रिसर्च पर्पस के लिए हमने लेकर आके ये कर रहे हैं। आपको इसको भी हमने सेलिंग स्टार्ट किया है। आपको ये डॉर्पर विथ मेरिनो वाला भी मिल सकता है, एंड ऑल्सो आपको प्योर मेरिनो क्वालिटी भी आपको मिल सकता है। और हमारे पास मेरिनो क्वालिटी क्या है, वो आपको आउटसाइड इंडिया में किधर में मैक्सिमम नहीं मिलते, जम्मू कश्मीर में भी था वो हमने लेकर आया। और आप ऑस्ट्रेलिया में क्या क्वालिटी देख सकते हो, वही क्वालिटी हमारा फार्म में आप देख सकते हैं। इसको बोल, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये तो व्रिंकल्ड मेरिनो है, आप देख सकते हैं आपका इसका कम्प्लीटली, आपका इसका स्किन कम्प्लीटली व्रिंकल्ड रहता है। ये तो 8 months का है, एट मंथ्स का है। फीमेल है,
इसका आप लेंथ ही देख सकता, इसका लेंथ में मोर देन 3 फीट आ जाते हैं। कितने दिन के बाद ये निकलेगा? ये तो हम तो एक वो हमें ट्रिमिंग करवाता है। ओके, ये ट्रिमिंग हमें करवाते है, नहीं तो ट्रिमर वाला आता है वो हम तो एक 1 ईयर है तो 8 मंथ्स ऐसा हम तो ट्रिमिंग करवाते हैं। और कितना उल आ जाएगा, मतलब एक से हमको मोर देन 8 kg 9 kg इजीली आ जाता है। इसका टेल देख सकता आप इधर। ओके राइट, सो मोर देन आपको 1.5 फीट आ जाता है, इधर तक आ जाता है। ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई ये पशुपालन के लिए रखता भी है तो इसमें पैसे कितने बन सकते हैं या क्या इसमें खर्चा आएगा, क्या मुनाफा आएगा? सो पहले ये बोले ना, इसको मेरिनो को हमारा पास हम सेलिंग किया तो 50,000 प्लस प्राइस में हम सेलिंग करते हैं। ओके, और बाद में कुछ फार्मर्स कुछ लेकर आके इसको एक लेकर भी जा सकते हो, नहीं तो 5 ऐसा लेकर जाके फीमेल से एक मेल लेकर जाके उसको 2 बच्चा बकरा भी आ सकता। उसको 2 बकरा से आप इजीली एक को आप मोर देन 70-80,000 भी सेल किया तो आपको वेरी गुड प्राइस मिलता है, नहीं तो ब्रीडिंग किया तो आप दूसरों को बकरा दे के आपको वेरी गुड क्वालिटी आता है। और मैं बोला ना भाई, ग्रोथ भी 1 ईयर से ईजिली नया मोर देन 110-120 kg वरकू जब तक रीच होता है, डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ फूड भी की। हाँ राइट, क्योंकि हम तो सिर्फ ड्राई ही दिया तो उसमें कुछ विटामिन्स नहीं तो प्रोटीन्स वाला कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ एक फॉडर हो जाते है। right. आप कुछ फाइबर कंटेंट वाला नहीं तो कैल्शियम कंटेंट वाला फूड फॉडर ऐसा ज़्यादा देते थे, मलबरी मेज सुपर नेपियर ऐसा, ये तो उसका ग्रोथ भी अच्छा रहता है, बाद में आपको वेरी गुड वेट क्वालिटी सब आता है, डिजीज भी कम होता है। आप उसको देख के आप सेलिंग किया तो भी आपको अच्छा क्वालिटी आता है हमारा पास। और कॉरिडियल भी है, कॉरिडियल मतलब ये तो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा पालन करता है, अब उधर भी डिमांड ज़्यादा हो रहा है, लाइक बकरा कम मिल रहा है उधर भी। ओके ओके, सो इधर वो भी हमारे पास मिलता है, उसका भी मार्केट अच्छा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।